हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट की रेसिपी। बहुत ही कम सामान से सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमने ना तो कोई मिल्क पाउडर, ना तो कोई कंडेंस मिल्क, ना मावा और ना ही कोई कलर का यूज़ किया है। तो चलिए इस टेस्टी डिज़र्ट की रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो ब्रेड के किनारों को हमें इस तरह से काट लेना है और इसके जो किनारे काट कर निकलेंगे उसका हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका हम ब्रेड क्रम बनाकर रख लेंगे, उसे हम किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें काट करके रख लेना है। अब हम यहाँ पर एक बोल में आधा कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। ये क्रीम बिल्कुल चिल है और इसे हमें 2 मिनट के लिए व्हिप कर लेना है हाई स्पीड पे। आप यहाँ पर हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे व्हिप करने के लिए। तो ये देखिए, इसमें सॉफ्ट पीक आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें कलर के लिए रू अफज़ा डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून रू अफज़ा डाल रहे हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए और व्हिप कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन रू अफज़ा जो है सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर कलर के लिए आज रू अफज़ा का यूज किया है और इससे क्रीम में बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। तो ये देखिए, हमें कलर थोड़ा फीका लग रहा था इसलिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून रू अफज़ा और डाल दे रहे हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर प्यारा सा क्रीम बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर एक बोल में 1 कप दूध लेंगे। दूध को हमने 1 टेबल स्पून शक्कर डाल के उबाल लिया था। तो दूध अभी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। तो अब हम इसमें एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से डिप करते जाएंगे और इसमें जो एक्सेस दूध ऑब्जर्व हुआ है उसे हम इस तरह से निचोड़ लेंगे हथेलियों में दबाकर। और अब हम इसके ऊपर क्रीम लगा देते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। इस तरह से हमें इवेनली चारों तरफ लगा लेना है। अब हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं हल्के हल्के हाथ से। तो ये देखिए, बिल्कुल तैयार है और इसके साइड में भी हम थोड़ा सा क्रीम लगा लेते हैं और इसी तरह से हम दोनों साइड में भी क्रीम लगा लेंगे। और यहाँ पर हमने नारियल का पाउडर लिया हुआ है तो इसमें हमें कोट कर लेना है। तो ये देखिए, क्रीम रोल बनकर तैयार है और इसी तरह से हमें सारे क्रीम रोल को बनाकर रख लेना है और तकरीबन हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, जिससे ये अच्छे से ये सेट भी हो जाए और डिज़र्ट जो है अच्छे से ठंडी भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ पिस्ते से इसे गार्निश कर लिया है। बहुत ही टेस्टी क्रीम रोल बनकर तैयार हुआ है। खाने के साथ साथ इसका लुक भी बहुत ही प्यारा है। आप इसे होली, दिवाली, ईद या फिर किसी भी खास मौके पर बनाएं। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। तो अगर आपको आज की रेसिपी हेल्पफुल लगा होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।